पार्टी से गठबंधन न होने की सूरत में कांग्रेस अपने 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। कल सभी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि पीसी चाको ने ये भी दोहराया कि गठबंधन होने और ना होने दोनों ही सूरत में वे लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। के जी, गठबंधन के लिए हम हमेशा तैयार हैं, बट दिल्ली का पोजीशन में हम अकेले लड़ने के लिए, सारा सीट में अकेले लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। सो हमारा विलिंगनेस ने हमने एक्सप्रेस किया, जो लोग हमारे मिलना चाहिए तो उसको पूछना है क्या वो तैयार है या नहीं। सर, लिस्ट तैयार हो रही है कांग्रेस की? हमारा लिस्ट तैयार है, हमारा सीईसी का मीटिंग हो गया है, लिस्ट फाइनलाइज किया है, कांग्रेस प्रशासन का अप्रूवल भी किया है, हम कल अनाउंस करेंगे। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर ना होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के करोल बाग में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नई दिल्ली से संभावित प्रत्याशी अजय माकन के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। माकन ने भी दोहराया कि वे हमेशा गठबंधन के पक्षधर रहे हैं और न होने की सूरत में भी वे चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, गठबंधन का मैं शुरू से ही पक्षधर रहा हूं, अभी खास तौर के ऊपर पिछले 1.5 महीने से जब से इसकी बात चली है, तो गठबंधन का तो मैं शुरू से ही पक्षधर रहा हूं। लेकिन हम लोग जो हैं बगैर गठबंधन के भी हम लोग लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, अगर आम आदमी पार्टी आगे नहीं बढ़ती तो। सर, अभी जाहिर है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन के तमाम दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कलरक।